हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे राम भक्ति का अवतार, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं किस प्रकार से राम भक्ति काव्यधारा अन्य काव्यधाराओं से भिन्न थी, तथा उसके सामंतवादी नजरिया क्या था जिसमें वह उस समय मौजूद समस्याओं से किस प्रकार से समाधान चाहते थे, या फिर उस समय की प्रासंगिकता के अनुसार क्या थी, प्रगतिवादी नजरिया तथा प्रगतिशील नजरिया क्या था, किस तरह से गोस्वामी जी के तुलसीदास गोस्वामी जी की भक्ति या शगुन राम कबीर के राम से भिन्न है तथा उनमें क्या समानताएं हैं, उस समय की क्या प्रचलित कवि कौन कौन थे, उनके द्वारा किस प्रकार से राम भक्ति काव्यधारा में योगदान किया गया, या उनके द्वारा किस प्रकार की मुख्य रचनाओं की गई थी। जब हम राम भक्ति काव्यधारा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्यधारा में सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास जी है तथा इन्हीं का नाम आता है। राम भक्ति काव्यधारा को स्वर्णवादी काव्यधारा भी माना जाता है। उल्लेखनीय है कि राम भक्ति काव्यधारा के जब हम मुख्य कवियों की बात करते हैं तो उसमें रामानंद, अग्रदास जी, ईश्वरदास जी, तुलसीदास जी, नावादास जी, केशवदास जी तथा नर हरिदास आदि जी का नाम आता है। वहीं जब हम जैन साहित्य की बात करते हैं, हम देखते हैं कि जैन साहित्य में भी हमें कहीं कहीं पर राम भक्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि विमल शूराकृत पाऊम चरित्र जो कि जैन साहित्य है, उसमें हमें राम भक्ति के कुछ प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार सिद्ध साहित्य के स्वयंभू जो कि सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि थे, उनके द्वारा रचित पांव चरित्र में भी हमें राम भक्ति काव्यधारा के साक्ष्य मिलते हैं। पुष्प दत्त कृत महापुराण में भी राम कथाओं का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं जब बांग्ला भाषा में कृत वाचनी में भी रामायण लिखी गई है जो कि हमें बताती है कि बांग्ला में भी रामायण के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं जब हम तुलसीदास जिसे पूर्व कवियों की बात करते हैं तो उसमें विष्णुदास जी तथा ईश्वरदास जी का नाम आता है, जिनके द्वारा भरत मिलाप तथा अंगद पेज जैसे रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन मूल बात यह है कि वाल्मीकि जी की रामायण ही राम कथाओं का मूल स्रोत है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की राम कथाओं का प्रचलन तथा उनके बारे में सुनते आए हैं। जब हम राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित संप्रदायों की बात करते हैं तो यहाँ दो संप्रदायों का नाम लिया जाता है, जिसमें श्री संप्रदाय तथा ब्रह्म संप्रदाय। जब हम श्री संप्रदाय की बात करते हैं तो इसमें रामानुजाचार्य का नाम सर्वप्रथम आता है, जिन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, उनके विषय में यह संप्रदाय प्रचलित है। वहीं जब हम ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं तो हमें माधवाचार्य जी के संप्रदाय के सिद्धांत को देखने के लिए मिलता है, जिन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इसी के साथ साथ जब हम राम भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लोक मंगल का सिद्धांत है कि किस प्रकार से राम भक्ति काव्य धारा सिर्फ राम कथाओं से संबंधित नहीं है, वह उस समय में मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए तथा किस प्रकार से लोग आम जनमानस का भला हो या उनके मंगल के सिद्धांत रामायण में अपने अंदर समेटे हुए। दास्य भाव की भक्ति हमें मूल रूप से राम भक्ति काव्यधारा में देखने के लिए मिलती है, जहाँ वह अपने आप को दैन्य समझकर या अपने आप को ईष्ट के समक्ष पूर्ण रूप से न्योछावर कर देते हैं और स्वयं को तुच्छ बहुत ही छोटा मानते हैं और कहते हैं कि मैं हम बहुत पापी हैं, हम हमारे इष्ट हमारे लिए सबसे महान है तथा उनके पाने के लिए वह आत्मनिवेदना की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। जैसे कि हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहे में देख सकते हैं, राम सो बड़ो कौन, राम कौन मोसो छोटो, राम सो खरो कौन, कौन मोसो खोटो, यानी कि राम के जैसा बड़ा कौन है, कोई नहीं। उसी प्रकार मुझसे जैसा छोटा कौन है, मुझसे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। राम सो खरा कौन है, राम के जैसा खरा, राम के जैसे सच बोलने वाला और कोई नहीं है, और मुझसे कौन खोटा, मुझसे कौन खोटा, कोई और हो ही नहीं सकता। इस प्रकार अपने आप को दैन्य भाव में या दास्य भाव में अपने ईष्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, समन्वय का व्यापक प्रसार करते हैं। तुलसीदास जी इसमें नवधा भक्ति के स्वरूप को उगोचर करते हैं, जहां पर वह श्रावण कीर्तन
सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, नाम स्मरण आदि सभी की महिमा गाते हैं तथा कहते हैं कि राम महिमा का प्रतिपादन करने के लिए इन सभी का होना जरूरी है। जपू राम, राम जपू बावरे, राम जपते जपते राम बावरे हो जाओ, तभी हमें राम की प्राप्ति होगी। लोक कल्याण की भावना इसमें सदैव सम्मिलित रहती है। मर्यादावादी एवं आदर्श स्थापनाएं है कि किस प्रकार राम मर्यादावादी है, वह अपनी मर्यादा को कभी नहीं छोड़ते और हमेशा अपने भक्तों के लिए तथा लोक कल्याण के लिए अग्रसर रहते हैं। उनके आदर्श उनके लिए सर्वोपरि है। जब हम काव्य रूप देखते हैं तो हमें काव्य रूप प्रबंध व मुक्तक दोनों में देखने के लिए मिलता है। प्रबंध काव्य जो कि शुरू से लेकर अंतिम तक बंधा हुआ हो तथा एक पूर्ण कहानी के रूप में दिखाया जाता हो। मुक्तक काव्य वह होता है जहाँ पहले और दूसरे में कोई संबंध ना हो, यानी कि अगर हमने एक दोहा लिखा है तो उसका संबंध दूसरे से नहीं होगा, वह दोनों एक दूसरे के ऊपर दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। जब हम मुख्य काव्य भाषा की बात करते हैं तो हमें अवधि भाषा देखने के लिए मिलते हैं। राम को यहाँ लोकनायक के रूप में देखा जा सकता है कि धीरोदात्त लोकनायक है जो लोक कल्याण तथा लोक मंगल के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सामंतवाद का विरोध होते हुए देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार अपने फायदे के लिए सामंत वाद का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए विरोध हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने के लिए मिलता है। सामूहिक ताक पर बल दिया जाता है कि एकता होनी अनिवार्य है। दार्शनिक परिचितिको का बहुलता है कि किस प्रकार से जब हम देखते हैं कि राम कथाओं में वाटिकाओं का, लंका का, या लंका दहन का, या सुंदरवन का, अलग अलग प्रकार की स्थलों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, उन्हें देखने के लिए मिलते हैं। मर्यादावादी है कि राम अपनी मर्यादा को कभी नहीं छोड़ते। मानवतावादी है तथा मानवता के सिद्धांत पर बल दिया गया है। जब हम राम भक्ति के स्वरूपों की बात करते हैं तो हमें राम भक्ति में राम का स्वरूप दिखाया गया है जो कि आदर्श चरित्र है, भक्ति की प्रधानता है, जनजीवन के कवि है कि जन जन के कवि है कि सभी के लिए है वो राम भक्ति। कोई भी कर सकता है, सभी के राम है वह। उतने ही राम अमीर से अमीर के हैं और उतने ही राम गरीब से गरीब के हैं, तो उनके लिए सभी सामान्य है। सभी की भक्ति उनके लिए प्रधान है। जो उन्हें पूर्ण रूप से अपनाता है वह उसे पूर्ण रूप से अपनाते हैं, इसलिए सभी के राम है, जन जन के राम है। सेवा, जब हम उनकी भक्ति की बात करते हैं तो हमें सेवक भाव में, शैव्य भाव में उनकी भक्ति देखने के लिए मिलते हैं तथा छंद, छंदों का प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करते हैं कि किन किन कवियों ने इस समय में महत्वपूर्ण रचनाएं की, या उनके रचनाकार कौन कौन थे। रामानंद जो है जिन्होंने राम आरती लिखी, अग्रदास जी जिन्होंने रामाष्टायाम राम भजन मंजीरी लिखी, ईश्वरदास जी जिन्होंने भरत मिलाप और अंगद पेज जैसी रचनाएं रची जो कि तुलसीदास जी से पूर्व थे, उनके अलावा तुलसीदास जी की रामचरितमानस गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली जैसी अनेक रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। वही नांबादास जी जिन्होंने भक्तमल और केशवदास जी जिन्होंने रामचंद्रिका जो कि एक प्रबंध काव्य है, तथा नरहरिदास जिनके द्वारा पौरुष्य रामायण जैसी रचनाएं हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने के लिए मिलती है। जब हम तुलसीदास जी की बात करते हैं तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था, जो कि राम कवि भक्ति काव्य धारा के मुख्य कवि, प्रतिनिधित्व कवि के रूप में जाने जाते हैं। जब हम राम तुलसीदास जी के संपूर्ण काव्य की बात करते हैं तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें समन्वय की विशेष चेष्टा बताई है कि किस प्रकार वह समन्वय सभी को एक साथ लाकर सभी उनकी भाषा में तथा उनके विचारों में तथा उनके द्वारा व्यक्त किए गए सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से एक विराट चेतना प्रदान करते हैं। जब नांबादास ने इन्हें काली कला का वाल्मीकि कहा है, वहीं गिरीशन ने इन्हें लोकनायक माना है तथा इन्हें जातीय कवि भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। तो सभी जातियों के कवि है तुलसीदास जी, जिनके लिए राम भक्ति सर्वोपरि है। अमृतलाल नागर ने उपन्यास मानस का हंस में तुलसी का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसी जी का जन्म स्थान राजापुरी माना है। इनकी माता तुलसी तथा पिता आत्माराम थे। बचपन का नाम राम
बोला माना गया है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, गुरु का नाम नरहरिदास था तथा आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि अगर भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी कवि को कहा जाए तो कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह है तुलसीदास जी है, जो कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वहीं तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। जब हम तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र चंद्र शुक्ल के अनुसार हमें तुलसीदास जी की 12 रचनाएं देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें रामचरितमानस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें जिसके अंदर 7 कांड है, बाल कांड तथा पहला कांड बाल कांड है और अंतिम कांड है, जिसके अलावा किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था, जिसकी भाषा अवध अवधी है तथा शैली दोहे और चौपाई है। तत्कालीन समस्याओं का विवरण करने के लिए वर्ण व्यवस्था का हीनता का वर्णन करते हैं, यानी कि जाति पाति का खंडन करते हैं। इस प्रकार से हमें इनकी अनेक रचनाएं देखने के लिए मिलती है, जिसमें रामलला, नचाऊ गीत, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनायक पत्रिका तथा गीतावली जैसी रचनाएं हमें राम तुलसीदास जी द्वारा देखने के लिए मिलते हैं। जब विनय पत्रिका की बात करते हैं तो तुलसीदास जी ने राम को जानने के लिए, रामचरितमानस को पढ़ने तथा तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका को पढ़ने या विनय पत्रिका के नवदा भक्ति के स्वरूप के द्वारा अपनी भक्ति को दैन्य या दास्य भाव में प्रस्तुत किया है। जब हम राम भक्ति काव्य धारा की बात करते हैं तो हमें इसमें दो परंपराएं देखने के लिए मिलती है। एक है परंपरावादी राम भक्ति काव्य धारा, एक है प्रगतिशील। जब परंपरावादी राम की भक्ति की बात करते हैं तो हम वहां में गजानन माधवदास मुक्तिबोध देखने के लिए मिलते हैं, जो एक व्यंग्यकार थे। उन्होंने रामचरितमानस को परंपरावादी कहा है तथा कवितावली के उत्तरकांड को प्रगतिशील बताया है। वहीं हम जब प्रगतिशील राम की बात करते हैं तो रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास जी के साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य है, जो कि प्रगतिशीलता का एक जहां से आकलन किया जाता है। वह उसी के साथ साथ विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब लोकवादी तुलसी में भी हमें प्रगतिशील राम के देखने के लिए मिलते हैं। तुलसीदास जी सगुण भक्त हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म को भी सगुण भक्त भक्ति के रूप में उन्होंने व्यक्त करते हैं तथा वह कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहलावा, सो नर मोही सपनहु नाहि भावा। अर्थात जो शिव द्रोही है और वो कहता है कि मैं राम का भक्त हूँ, वो इंसान मुझे सपने में भी नहीं भाता है। यह उन्होंने यह श्री राम जी द्वारा कहा गया कथन है कि उन्हें निर्गुण और सगुण दोनों को मिलाकर अपने रूप को व्यक्त करने की बात कही। वही जब तुलसीदास जी की राम चेतना की सामाजिक चेतना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि तुलसीदास जी सामाजिक चेतना में नारी, वर्ण व्यवस्था तथा परिवार से संबंधित बातें करते हैं। राजनीति के विषय में बताया गया है और आर्थिक व्यवस्था के बारे में, धर्म और भाषा, इन सभी को लेकर तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना पर विचार करते हैं। जब हम नारी की बात करते हैं तो राम भक्ति काव्य धारा में रानी को लेकर, नारी को लेकर कई दुर्भाग्यवश और गलत प्रचार किए गए हैं। नारी विरोधी यह नैतिकतावादी मर्यादावादी मूल्यों पर टिकी विचारधारा है। तुलसीदास जी के ग्रंथ लोक जीवन के आचार शास्त्र का काम करते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने मीराबाई को पत्र में के कहा था, जाके प्रिय ना राम विदेही, ताजहि तहि कोटि वेरसम यद्यपि परम स्नेही। ऐसे में जब हम कहते हैं कि तुलसीदास जी की नारी को लेकर क्या भावना थी तो हम देखते हैं कि उनकी रामचरितमानस में कई प्रसंगों में उन्होंने कहा है कि पार्वती शिव से अलग अलग प्रकार के संवादों के विषय में उन्होंने बताया है। तो वह नारी के रूप का महान चरित्र के बारे में बताते हैं तथा कहते हैं कि किस प्रकार रावण को नीच वचनों में एक नारी स्वभाव के 8 अवगुण आते हैं। सोचने पर तुलसीदास जी के मन में रावण के प्रतीत कौन सा भाव है? तुलसीदास जी नारी के माता रूप पर प्रहार नहीं करते, कभी कभी वह नारी की कामनी
कमधा रूप पर प्रहार करते हैं, या हम देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से तुलसीदास जी द्वारा तथा कबीर दास जी या फिर भक्ति काल में अन्य कवियों के माध्यम से जो स्त्रियां चरित्र के हिसाब से उनकी अलग अलग प्रकार की महिमाओं का गान किया गया है, या फिर जब हम नारी विरोध की स्थिति पाते हैं वहां इतना कुछ स्पष्ट रूप से हमें देखने के लिए नहीं मिलता कि वे पूर्ण रूप से नारी के विरुद्ध है। वर्ण व्यवस्था के विषय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भक्ति काल की सभी काव्य धाराएं वर्ण व्यवस्था का निरंतर विरोध करती आई है, कि किस प्रकार जाति पाति से ऊपर उठकर एकता होना अनिवार्य है। राजनीति के विषय में उन्होंने कहा है कि या तो कुशल राज्य होगा या कुशासन होगा, तो इसलिए उसका एक ही समाधान है जो है राम राज्य। जब हम आर्थिक और राज व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां अलग अलग प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, जैसे सम यानी सुझाव, दाम यानी धन, दंड यानी सजा, भेद यानी रहस्य, अलग अलग प्रकार की स्थितियों के बारे में वर्णन मिलता है। धर्म को लेकर उनके प्रचार यही है कि धर्म के से ऊपर उठकर सभी को एकता का भाव होना चाहिए, मानवतावाद का भाव होना चाहिए तथा भगवान की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से साधना की जाए उसके ऊपर बल दिया जाना चाहिए। भाषा उनकी अवधि है जिसका जिसमें वह लोकजन की भाषा के अत्यंत करीब माने जाते हैं, या फिर इस प्रकार की भाषा लिखते हैं जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। जब हम कलयुग की बात करते हैं तो उस समय की समस्या और स्थितियों के ऊपर बात की गई है कि किस प्रकार की समस्याएं थी, तथा राम राज्य की कल्पना की गई है जो एक आदर्श राज्य होगा उसकी स्थापना किस प्रकार की जाए। कवितावली की बात करते हैं, जबकि कवितावली में गरीबी बेरोजगारी की बात करी गई है, वहीं जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामचरितमानस में सामाजिक और आर्थिक चेतना की बात की गई है, किस तरह से समाज में प्रस्तुत उस समय की कुरीतियों को हटाया जाए तथा आर्थिक रूप से समानता किस प्रकार लाई जाए। जब हम कबीर के राम और तुलसी के राम की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि कबीर दास जी निर्गुण ईश्वर की भक्ति करते थे, वह अवतार वादी राम को स्वीकार नहीं करते थे तथा वह कहते थे, ना दशरथ धरी अतोरी आवे, ना लंका का राम सतावे। इस तरह से कबीर के राम विभिन्न अर्थों और भावों के आलंबन है। कभी 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 वो उन्हें के प्रति माँ, पति, माली तथा सखा, अलग अलग प्रकार के भाव से अपनी भक्ति को उनके प्रति व्यक्त करते हैं। इसी तरह से जब हम तुलसीदास जी की बात करते हैं तो सगुण ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे अवतारवादी राम को मानते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों में से जो राम अवतार थे वह उनकी पूजा करते हैं, तथा जो श्रीमद् भागवत गीता के भाव है उनको वह मानते हैं। उसके साथ यह सामंत कहते हैं कि राम मर्यादावादी है जो दास्य जैसी भावनाओं से ही आलंबन बन पाते। अतः हम कह सकते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों ही एक को ही मानते हैं, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर हमें यह अंतर देखने के लिए मिलता है। जब हम तुलसीदास जी की बात करते हैं कि तुलसीदास जी किस प्रकार के कवि, तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी एक सजग कवि है, क्योंकि उनमें हमें नाद सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य, नादात्मक सौंदर्य, ध्वनियात्मक तथा ध्वनि मैत्री देखने के लिए मिलती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि वह संस्कृत के शब्दों का तत्समीकरण ना कर वह अवधिकरण करते हैं तथा संस्कृत के शब्दों को इस तरह संस्कृत में ही ना लेकर या उन्हें हिंदी में ना बदलकर वह उन्हें अवधी भाषा में परिवर्तित करते हैं, जिससे वह लोकजन मानस के समीप हो जाती है तथा अवधिकरण होने के कारण भाषा में या शब्दों में एक अलग प्रकार की झनकार उत्पन्न होती है जो कि उसके ध्वनि सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के प्रयोग करने से जो झनकार उत्पन्न होती है उससे उसका अर्थ पूर्ण ही महसूस होने लगता है। यह विशेषता हमें तुलसीदास जी में देखने के लिए मिलती है। वहीं तुलसीदास जी के अलंकार व्यवस्था की बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार हमें अत्यधिक देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण बार बार एक ही शब्द की रिपीटेशन होने के कारण हमें वहां ध्वनि आत्मकता या ध्वनि मैत्री जैसे चमत्कार उत्पन्न होते दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से तुलसीदास जी अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए आचार्य शुक्ल ने कहा भी है कि जिस तरह से सूरदास जी को अलंकार पे अलंकार देने की
लग जाती है उसी लत लग जाती है उसी प्रकार से तुलसीदास जी को भी हम अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास पे अनुप्रास का प्रयोग करते हुए देखते हैं। जब तुलसीदास जी का राम के प्रति को मान प्रेम प्रतीक के रूप में मानते हैं, वो कहते हैं, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास है, राम एक राम धन श्याम है, हित चालक तुलसी राम की। उनका एक ही भरोसा है, एक ही बल है, उनकी एक ही आस है, एक ही उनका धन है जो कि राम है। तुलसीदास जी तो राम के भरोसे या राम के ऊपर चल रहे हैं, जहां वह चलाएंगे वह वहां चल देंगे। उनके सेवक भाव हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। जब हम विनय पत्रिका की बात करते हैं तो तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति का वहाँ स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति होती हुई हमें देखने के लिए मिलती है। तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति की बात करें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति सात भक्ति पद्धतियों को माना है, जिसे हम विनय की सात भूमिकाएं कह सकते हैं। विनय किसी अपने इष्ट के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, अपने अहंकार को त्याग कर अपने आप को पूर्ण रूप से अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर देना, इस प्रकार के भाव को हम देखते हैं। जब हम दैन्य भाव की बात करते हैं, दैन्य दैन्य भाव जब हम प्रथम भाव है, जब कोई अपने आप को तुच्छ समझकर, अपने आप को सबसे छोटा समझकर, अपने आप को हीन समझकर, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के समक्ष समर्पित कर देता है, वही दान्य भाव है। जब भक्त का अभिमान शून्य हो जाता है, उसमें अहंकार नाम का भी नहीं रह जाता, तब वह मान मर्षता भाव में पहुंच जाता है, जिसमें जीवन के भय दिखाकर प्रभु की शरण में जाने के लिए भय दर्शन कहा जा सकता है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम कहू चलू राम कहू चलू राम कहू चलू रे भाई, नाही ते भव बंगार में पिरहू छूटी अटिन कठिनाई रे। राम कहते चलो भाई, राम कहते चलो, राम के अलावा और कुछ नहीं है, राम से बड़ा और कुछ नहीं है, इसलिए अनिवार्य है कि राम कहते चलो, नहीं तो इस भव सागर में इस भय से छूटना अत्यंत कठिन है, इसे छुड़ाने के लिए और कोई नहीं है। जब हम मन को डांट फटकार कर सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं तो उसे भर्त्सना मार्ग कहा जाता है, जहां पर कहते हैं कि ऐसा मूढ़ा या मन की रहीर राम भक्ति सुर सरिता आश करत औशंकी। तो इस तरह के भाव हमें भर्त्सना में देखने के लिए मिलते हैं। जब तुलसी की भक्ति में दैन्य की प्रधानता आ जाती है, दैन्य के कारण वह अपने आप को इष्ट राम को महान मानते हैं तथा सर्वगुण संपन्न मानते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं और आत्मनिवेदना की प्रवृत्ति उनके समक्ष हमें देखने के लिए मिलती है। जब वे कहते हैं कि राम से बड़ा कौन, राम मोसे कौन छोटो, राम से खरो कौन मोसे कौन खोटो, तो जब वह अपने आप को तुच्छ मानकर आत्मनिवेदना करते हुए अपने आप को राम के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। जब वे कहते हैं कि मेरे प्रभु मेरा मन की यही मूर्खता है कि मैं क्या बताऊं कि राम की भक्ति रूपी गंगा में मैं अपनी प्यास को किस तरह से बुझाऊं, मैं क्या करूं, मैं किस तरह से राम की प्राप्ति करूं। अपने गुणों पर विश्वास करते हुए जब भक्त तुलसीदास जी अपने मन को जहां आश्रित करते हुए देखते हैं तो वही आशासन आश्वासन विनय की भूमिका है, जहाँ कामनाओं की अभिव्यक्ति ना होकर मनोरंजन नामक भूमिका दिखाई पड़ती है तथा वह ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। जब हम संसार की जटिल माया से छूटकर विरक्त होकर भक्ति के में लीन हो जाते हैं, हमें और संसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं रहता, वही अंतिम भूमिका है जिसे हम विचरण का समावेशन कहते हैं, तथा उसके अनुसार ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है तथा उनकी प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो भक्ति प्राप्ति के लिए सत्संग का होना महत्वपूर्ण है, जो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न हुई
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और अगर विवेक नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, और अगर भक्ति नहीं होगी तो राम कृपा या राम भक्ति राम की कृपा हमें कभी नहीं मिल सकती। इसलिए अनिवार्य है विवेक का होना, और विवेक के लिए अनिवार्य है सत्संग का होना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी भक्ति प्राप्ति के लिए सत्संग को एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं तथा सत्संग पर करने के लिए बल देते हैं। जब कवि कवितावली की बात करते हैं, कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसमें कि हम इसके ऊपर कई विवाद है। कैसे कि विवाद है कि व्यवस्था का अभाव है, कि कहीं कहीं पर इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि जिसे देखकर हमें लगता है कि राम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है इस पर। वही जब हम प्रबंध की समस्याओं का बात करते हैं तो हमें बिखराव देखने के लिए मिलता है राम और कृष्ण की कथाओं में। जब हम अनुपात देखते हैं कि किस प्रकार का से अलग अलग स्थानों का उल्लेख किया गया है तथा जो कथाएं उसमें सम्मिलित होनी चाहिए उसका भी हमें उल्लंघन होता हुआ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लंका दहन के विषय में या लंका दहन का उल्लेख नहीं मिलता। मार्मिक स्थलों की पहचान में भी कमी मिलती है, जैसे चित्रकूट की सभा रामचरितमानस में पूर्ण रूप से वर्णित है, लेकिन कवितावली में हमें यह देखने के लिए नहीं मिलती। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं मुक्तक काव्य, तो हमें चार पांच से ज्यादा मुक्तक काव्य देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब हम रामचरितमानस को देखता है तो एक प्रबंध काव्य है जो कि पूर्ण रूप से बंधा हुआ है। इसी प्रकार से राम कथाओं का एक दूसरी कथाओं से संबंध है, तो मुक्तक काव्य के रूप में ना होकर वह एक ही काव्य के रूप में होना चाहिए था। जहाँ हम देखते हैं कि लंका दहन में बहुत सारे अलग अलग मुक्तक काव्यों के संग्रह से एक दृश्य बनाने की कोशिश की गई है, जो हम कह सकते हैं कि इसकी समस्या या इसकी कमियों में से एक है। सीन प्रबंध काव्य क्या होता है? जब हम सीन प्रबंध काव्य की बात करते हैं तो वह भी मुक्तक काव्य का रूप होता है, लेकिन उसमें कहीं पर हमें प्रबंध काव्य का रूप देखने के लिए मिलता है। प्रासंगिकता क्या गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रासंगिकता क्या है? जब हम उस समय की समस्याओं की बात करते हैं तो उस समय की गरीबी, बेरोजगारी, वर्णात्मकता, ये जाति भेदभाव, शासन कुशासन और आडंबर ऊपर चोट करते हुए तुलसीदास जी दिखाई देते हैं, जो कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की प्रासंगिकता पूर्ण रूप से प्रासंगिक है, जिसका समाधान उन्होंने बताया है राम राज्य का होना, आदर्शवादी राम का होना, जो कि जहाँ लोक मंगल की धारणा हो, जो मानवतावादी हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो तथा सभी के हित के बारे में सोचकर चलने वाली हो। जब नजरिए की बात करते हैं तो हमें समन्वय का नजीर चिंतन देखने के लिए मिलता है, भाषा शैली संबंध योजक है तथा पारिवारिक आदर्शों का देखने के लिए मिलता है, कि किस प्रकार से आदर्शों का होना तथा भक्ति के प्रति मोह होना भी अनिवार्य है। राम हाँ, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि तुलसीदास जी की लोकप्रियता इतनी अधिक क्यों है? तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का नजरिया प्रगतिशील नजरिया है, जिसमें वह समाज में मौजूद उस समय की सभी समस्याओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए तथा ध्यान देते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वह प्रगतिशील कवियों में आते हैं, जो कि उस समय मौजूद समस्याओं के समाधान पर अधिक बल देते हैं। उसके साथ साथ राम राज्य का आदर्श है कि जब राम राज्य की स्थापना होगी तो सभी समस्याओं का हल होगा। राम राज्य हम कह सकते हैं कि गांधी जी के राम राज्य से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कुछ हद तक गांधी जी का राम राज्य भी इसी प्रकार का था, जहाँ अत्यधिक गरीबी ना हो, रोजगार हो, जाति के आधार पर बंटवारा ना हो, शासन हो तथा आडंबरों का खंडन हो, धर्म तथा जाति के नाम पर आडंबर ना भरे जाए, लोक भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिससे हम कह सकते हैं उन्हें भाषा का बोध बहुत अच्छे से था, जो कि एक विशेष समय की विशेष भाषा में लिखे जाने के बावजूद भी रामचरितमानस विश्व स्तर पर इतना प्रमुख और मशहूर रचनाओं में से एक है। तो रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की, लेकिन वह उसी क्षेत्र तक सीमित न रहकर विश्व स्तर तक चला गया। इससे हम कह सकते हैं कि उनकी भाषा योजना या भाषा बहुत बहुत ही सुंदर रहा होगा या बहुत अधिक रहा होगा। शगुन ईश्वर की भक्ति का भाव हम उसमें उनमें देखते हैं, जिसमें वह राम लोक रक्षक है तथा आदर्शवादी राम है, कि किस प्रकार से राम उस समय की समस्याओं से
लोगों की रक्षा करेंगे तथा अवतारवादी राम होने के साथ साथ वह मर्यादावादी है और लोकहित की रक्षा करेंगे। जब हम राम काव्य और कृष्ण काव्य में अंतर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राम काव्य में हमें दासभक्ति देखने के लिए मिलते हैं, वहीं प्रेम भक्ति कृष्ण काव्य में हमें प्रेम भक्ति देखने के लिए मिलते हैं। राम काव्य में हमें विशिष्ट रूप से द्वैतवाद का प्रभाव देखने के लिए मिलता है जो माधवाचार्य द्वारा दिया गया सिद्धांत है। वहीं प्रेम कृष्ण भक्ति काव्य धारा में शुद्ध द्वैतवाद का प्रभाव देखने के लिए मिलता है जो वल्लभाचार्य द्वारा और विट्ठलाचार्य द्वारा दिया गया तैयार किया गया सिद्धांत है। वहीं दोनों में हमें लोक मंगल का कामना देखने के लिए मिलती है, लेकिन राम भक्ति काव्य धारा साधना अवस्था की ओर के साथ लोक मंगल की धारणा करती है। वहीं कृष्ण भक्ति काव्य धारा सिद्ध अवस्था की ओर काव्य की रचना करती है। राम का लोक रक्षक के रूप में केंद्र में है, वहीं लोक रजन के रूप में कृष्ण केंद्र में है। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण की प्रधानता है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में नारी के प्रति स्वतंत्रता की गूंज है, जहां हमें गोपियों और मीरा के द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण सभी से मुक्त होकर पूर्ण रूप से दिखाई देते हुए मिलते हैं। वहीं वर्ण व्यवस्था के प्रति जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह प्रधान है राम भक्ति काव्य धारा में। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जाति व्यवस्था पर समानता का अभाव है। वहीं राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का प्रयोग किया गया है, कहीं कुछ भागों पर ब्रज भाषा देखने के लिए मिलती है, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य धारा पूर्ण रूप से ब्रज भाषा पर आधारित है। जब हम राम भक्ति काव्य धारा की बात करते हैं तो हमें प्रबंध काव्य की अधिकता देखने के लिए मिलती है तथा मुक्तक भी देखने के लिए मिलता है तथा शान और वीर रस की प्रधानता देखने के लिए मिलती है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हमें मुक्तक की प्रधानता देखने के लिए मिलती है श्रृंगार वात्सल्य की रसों के भाव के साथ। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जब हम तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति के विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह स्वर्गता पूर्ण है, जिसका अर्थ है कि वह उस समय की सभी समस्याओं के साथ प्रासंगिक है तथा राम राज्य की कल्पना करती है। किस प्रकार से वह निर्गुण सगुण ईश्वर के रूप में राम की पूजा करती है, जीवन के किसी भी पक्ष को छोड़कर वह नहीं चलते बल्कि उनका सभी का सामंजस्य उनके साथ रहता है। वह कर्म और धर्मों का विरोध नहीं करते ना ही ज्ञान से, वह धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। तुलसीदास जी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की ही रहस्यानुभूति कहते हैं। सगुण भक्ति करने वाले लोग ईश्वर के भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर इस जगत के बीच में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, पेज परहे प्रहलाद को प्रकट प्रभु पहनते नाहित होई, कि जब प्रहलाद को प्रभु की आवश्यकता पड़ी थी तो एक खम्बे को फाड़ कर प्रभु उसमें से प्रकट भए थे। तो जब प्रभु को लगता है कि उनके भक्त को उनकी आवश्यकता है तो किसी भी स्थान पर किसी भी रूप से प्रभु प्रकट हो सकते हैं। तो तुलसी की दास जी की जो भक्ति साधना है वह अत्यंत गुहन नहीं है, वह ना केवल उच्च वर्ण की तक सीमित है। तुलसीदास जी के अनुसार ऊंच नीच छोटा बड़ा सब प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, उस पर सभी का अधिकार है, क्योंकि वह ईश्वर केवल प्रेम को पहचानता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह किस वर्ण से है, किस जाति से है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, उन्हें सिर्फ प्रेम से मतलब है। जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारो जानू ले सो जानी हारा, कि राम तो केवल प्रेम प्यारा, राम जी को तो सिर्फ प्रेम प्यारा है, उन्हें और किसी चीज से कोई लेने देना नहीं है, वह तो केवल प्रेम के प्रिय हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई है। वैसे ही और किसी की नहीं है जिस प्रकार की भक्ति या जिस प्रकार का लोक मंगलवादी नजरिया हमें तुलसीदास जी की भक्ति में देखने के लिए मिलता है। वहीं तुलसीदास जी के ज्ञान भक्ति का विशद निरूपण रामचरितमानस में किया गया है, जहाँ उत्तरकांड में वे ज्ञान मार्ग को कृपा की धारा के समान कठिन और तथा भक्ति मार्ग को सहज सरल और सुगम मानते हैं। उनके अनुसार
भक्ति मार्ग बहुत ही सहज है, सरल है और सुगम है, उस पर चलते हुए उसका आनंद लेना चाहिए। ईश्वर को दोनों मार्गों से पाया जा सकता है, लेकिन सरलता और सुगमता से अधिक लोकप्रियता हो सकती है तथा अधिक से अधिक लोग जन तक हम भक्ति भाव को पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी अपनी भक्ति पद्धति के लिए भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। उन्होंने भक्ति में एक ओर तो सशक्त विधियों का संपूर्ण समावेशन किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जनसाधारण को अपनी सरल भक्ति के कारण लोकप्रिय भी बनाया है। किस प्रकार वह इतने महान कवि होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े रहे, अपने ईश्वर भक्ति के लिए उन्होंने दास्य भाव से भक्ति की तथा लोक हित की भावना उनके अंदर सदैव विद्यमान थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।